शम्स पहलवी, उम्र 79 साल, मुल्क ईरान, नेटवर्थ 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। दोस्तों, ईरान के शाही खानदान की यह शहजादी 20 अक्टूबर 1917 को ईरान के शहर तेहरान में पैदा हुई और उसने अपनी बहन और वालिदा के साथ मिलकर ईरान में हिजाब के खिलाफ तहरीक चलाई थी। और ईरान जो कभी शिया मुसलमान रियासत हुआ करता था, वही मगरिब से मुतासिर होकर उसको एक आज़ाद मुआशरा बनाने की कोशिश की गई। शम्स पहलवी मगरिब से इस कदर मुतासिर हो गई थी कि उन्होंने 1940 में ही इस्लाम छोड़कर रोमन कैथोलिज्म को इख्तियार कर लिया और अपना मजहब छोड़ने में मौजूद ईरान में एक स्विट्जरलैंड के शहरी अर्नेस्ट पेरन ने उसकी बहुत मदद की और इस शख्स के शाही खानदान से बहुत करीबी ताल्लुकात भी थे। और सिर्फ उसने खुद इस्लाम नहीं छोड़ा, अपने बच्चों और शोहर को भी कैथोलिज्म कबूल करवा लिया। शाही खानदान की जिंदगी में शराब पीना और पिलाना बहुत आम हो चुका था और फिर ईरान में इस्लामी इनकलाब आया और उन लोगों को अपने ही मुल्क से भागना पड़ा।